नमस्कार मित्रों, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं सुपर टेन। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। शुरुआत करेंगे सुपर टेन में, इंडिया सुपर टेन से। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बीच करीब 3.5 घंटे तक चली बैठक। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच हुई चर्चा मणिपुर के हालात पर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वायु मार्ग से सोमवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में मोदी सरकार ने क्रांतिकारी सुधार किए, दुनिया में भारत का कद बढ़ा। जब भारत बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को घाटी में करीब आधा दर्जन जगहों पर छापा मारा। सूत्रों के अनुसार आतंकी गतिविधि से संबंधित एक मामले की जांच के सिलसिले में ये छापेमार कार्रवाई की गई। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई और अन्य के खिलाफ दायर अपने आरोप पत्र में कहा कि बिश्नोई और उसके आतंकी सिंडिकेट के विकास में दाऊद इब्राहिम के उदय के साथ कई समानताएं हैं। एनआईए ने आरोप पत्र में कहा है कि ज्यादातर अपराध उसके गिरोह के सदस्यों ने कनाडा के टिकटों के बदले किए थे। डी कंपनी चलाने वाले दाऊद कभी छोटा गुंडा था, लेकिन बाद में अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े गाड़ी को रोककर लूट की वारदात को दिया अंजाम। जानकारी के अनुसार चांदनी चौक से आ रहे व्यापारी के साथ बदमाशों ने की लूटपाट। सनसनीखेज वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। अहमदाबाद में शराब माफियाओं की अजीबोगरीब करतूत आई सामने। गोमतीपुर में शराब माफिया ने शराब रखने के लिए बेडरूम में एक टनल बना दी, जबकि किचन में टाइल्स के पीछे एक ऐसी जगह बनाई जिसका पुलिस को पता न चल सके। पुलिस ने छापेमारी करते हुए लगभग 5 लाख की शराब बरामद की। शराब छिपाकर रखने वाले 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया। फिल्म आदि पुरुष को रिलीज हुए 10 दिन बीत चुके और इससे जुड़े विवाद अभी भी बरकरार हैं। फिल्म के संवादों को लेकर दर्शकों ने आपत्ति जताई और इसके खिलाफ अधिवक्ता कुलदीप तिवारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में याचिका भी दर्ज की थी। सोमवार 26 जून को इस याचिका पर सुनवाई हुई और इस दौरान हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड और फिल्म निर्माता निर्देशक को जबरदस्त तरीके से लताड़ा। गुजरात के राजकोट में सोमवार को एक गैस गोदाम में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक राजकोट जिले के गाला गांव के पास मोरबी मालिया राजमार्ग पर गैस गोदाम में आग लगी, जहां चंद मिनटों में आग की चपेट में पूरा गोदाम आ गया। अभिनेता सूरज कुमार उर्फ ध्रुवण शनिवार को मैसूर गुंडलूपेट राजमार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां अभिनेता को काफी चोट आई है, जिसके चलते उन्हें मैसूर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबरों के मुताबिक सूरज का दाहिना पैर दुर्घटना में बुरी तरह से टूट गया है, जिससे डॉक्टर्स को अब काटना पड़ा। और बढ़ते आगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे एमपी सुपर टेन में। पीएम नरेंद्र मोदी आज एमपी दौरे पर आ रहे हैं। यहां 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों का भोपाल से शंखनाद करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में वो कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। वहीं देश को 5 वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी देंगे। इस बीच भारी बारिश की आशंका की वजह से पीएम के शहडोल दौरे को स्थगित किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भोपाल में पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि अब देश विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 543 लोकसभाओं से चयनित करीब 3000 कार्यकर्ताओं से मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को लेकर संवाद करेंगे, जिसका सीधा प्रसारण देश के 10 लाख बूथ्स पर किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंगलवार को पीएम मोदी भोपाल आ रहे हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी युद्ध का शंखनाद करने आए हैं, संघर्ष का बिगुल बजाने आए हैं, हर घर जाएंगे, अलख जगाएंगे। सीएम ने कहा कि हमें 29 लोकसभा सीट जीतनी है, विजय का संकल्प लेने का दिन है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ऐसे में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को फूलों से सजाया गया। पीएम के आगमन को लेकर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है।
मीसा भर्तियों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया। सीएम ने सम्मान निधि को 25,000 से बढ़ाकर 30,000 करने की घोषणा की। इसके साथ ही मीसा बंद विश्राम गृह में 50% शुल्क देकर अब रुक सकेंगे, साथ ही इन लोगों को निःशुल्क इलाज भी मिलेगा। सीएम ने लोकतंत्र सेनानी परिचय पत्र बनाने का भी ऐलान किया। अब दिवंगत होने पर तत्काल 10,000 की आर्थिक सहायता सरकार देगी। जबलपुर के बहुचर्चित और सनसनीखेज वेदिका ठाकुर हत्याकांड मामले में अब पुलिस ने आरोपी प्रियांश विश्वकर्मा पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया। वेदिका ठाकुर ने इलाज के 10वें दिन दम तोड़ दिया, जिसके बाद वेदिका की मौत की सूचना अस्पताल ने पुलिस को दी। एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल ने बताया कि वेदिका की मौत के बाद अब धारा 307 को बढ़ाकर 302 कह जाएगी। और आपको बता दें कि प्रियांश विश्वकर्मा ने 16 जून को वेदिका को गोली मारी थी। स्कूल गए बिना अंग्रेजी सहित 8 विदेशी भाषाओं का जानकार गाइड बनकर कालू ने दुनिया को हैरान कर दिया था। उसी गाइड कालू की ग्वालियर किले से गिरने पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रारंभिक तौर पर इसे आत्महत्या माना जा रहा है। पुलिस ने लाश को बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर कालू की मां और भाई का आरोप है कि कालू को कई गाइड लंबे समय से परेशान कर रहे थे। जांच अधिकारी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। जबलपुर में शादी का जश्न एक तरफ चल रहा था तो दूसरी तरफ चाकूबाजी हो गई और इस चाकूबाजी में एक शख्स की मौत हो गई। और आपको बता दें कि युवक की चाकू मारकर हत्या करने का आरोप दूल्हे के भाई पर ही लगा है। वारदात के बाद से दूल्हे का भाई फरार है, पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतक शख्स और दूल्हे के भाई के बीच पुराना विवाद चला रहा है। उज्जैन थाना कोतवाली इलाके में एक गारमेंट शॉप में चोरी की का बड़ा ही दिलचस्प मामला सामने आया। इस चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें आप चोर को आराम से चोरी करते हुए देख सकते हैं। चोर बड़े आराम से कपड़ों को छांटकर चुनता है। वह दुकान में करीब 1 घंटे तक रहता है। इस दौरान उसने 50 जोड़ी पसंदीदा कपड़ों की छटनी की और जाते जाते 20,000 रुपये भी ले गया। सीसीटीवी के आधार पर सेंट्रल कोतवाली थाना पुलिस जांच कर रही है। और अब बारी है छत्तीसगढ़ सुपर 10 की। इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला मामले में आरोपी के नार्को टेस्ट की रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई है। सीडी और एफएसएल की रिपोर्ट जांच के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। पुलिस फिर मामले की जांच करेगी और इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी कांकेर के मचांदूर, नवागांव, माकड़ी और सुरही गांव पहुंची, जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं से रूबरू हुई। इस दौरान शैलजा कुमारी ने बताया कि जितने भी छोटे बड़े पदाधिकारी हैं उन्हें बूथ लेवल तक जाकर जनसंपर्क करना है। प्रदेश के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया। लखमा ने कहा कि केदार कश्यप की चुनौती स्वीकार है। कहा, 15 साल में आदिवासियों को केदार ने धर्म बदलवाया है। मेरे विधानसभा में एक भी आदिवासी ईसाई नहीं बना। लाश को रखकर बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है। धमतरी में जहां सड़कों पर हुए गड्ढों को लेकर युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा, शहर से गुजर रहे नेशनल हाईवे 30 के गड्ढों को लेकर युवाओं ने प्रदर्शन किया और इन्हीं गड्ढों में बेशर्म के पौधे रोपे गए। इतना ही नहीं, गुस्सा युवाओं ने नेशनल हाईवे और पीडब्ल्यूडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवाओं का कहना है कि सड़कों पर गड्ढे हैं और बरसात का मौसम है, ऐसे में आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियां होती हैं। अंबिकापुर पुलिस ने महिला की मौत की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने मामले में खुलासा किया, मृतका के प्रेमी ने ही उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। जानकारी के मुताबिक दोनों प्रेमी और मृतका की शादी के बाद भी आरोपी अपनी प्रेमिका से उसके ससुराल अक्सर मिलने जाया करता था और पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतका किसी और से भी फोन पर बात किया करती थी और इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। दुर्ग पुलिस ने बिलासपुर जिले के राजकिशोर नगर क्षेत्र में ऑनलाइन सत्य के खिलाफ कार्रवाई की, जहां पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस को 4 लैपटॉप समेत कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। सूरजपुर में
SECL के गायत्री खदान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ, जिसमें शख्स की सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा पिटाई की जा रही है और पीड़ित शख्स ने कोतवाली थाने में आकर सुरक्षा कर्मचारियों के खिलाफ लिखित शिकायत दी। शिकायत में यह बताया गया कि रविवार की सुबह अपने निजी काम से वो गायत्री कोयला खदान की ओर गया था, जहां दो सुरक्षा कर्मचारियों के द्वारा उसकी पिटाई कर दी गई और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। फिलहाल कोतवाली पुलिस की शिकायत इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जशपुर में बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं, पहले वो अपराध करते हैं और फिर जब पुलिस गिरफ्तारी के लिए जाती है तो पुलिस की टीम पर आरोपी हमला करते हैं। दरअसल जशपुर के कुकर गांव का एक मामले का आरोपी जमानत पर छूटा था, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेशी के लिए जाना था, लेकिन आरोपी कोर्ट में पेशी होने के लिए नहीं पहुंचता, जिसके बाद जशपुर पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए गांव पहुंचती तो पुलिस पर हमला कर दिया। हालांकि पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से उसे गिरफ्तार कर लिया। आज चंद घंटों की बारिश ने रायपुर नगर निगम की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाने के बाद कई मोहल्लों में पानी भर गया और मोवा अंडरब्रिज में घंटों पानी भरे रहने की वजह से आवाजाही बाधित रही। अंडरब्रिज का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाने के कारण इस तरह की समस्या आए दिन देखने को मिलती है। अंबिकापुर में बारिश अब मुसीबत बन गई है। बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। ऐसे में सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार नगर निगम कमिश्नर के साथ जलभराव वाले इलाके में पहुंचे और इलाकों का निरीक्षण किया, साथ ही उन्होंने उसे ठीक करने के भी निर्देश दिए। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालेंगे इंटरनेशनल सुपर 10 में। पाकिस्तान की फौज ने एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर समेत कई अफसरों को बर्खास्त कर दिया है। इन सभी का कोर्ट मार्शल भी किया जाएगा। फौज के मीडिया विंग के डायरेक्टर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सोमवार को यह जानकारी दी। सिंगापुर में एक भारतीय शेफ को 3 महीने में 2 नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ का दोषी पाया गया और इसके चलते उसे 3 महीने और 4 हफ्ते की सजा मिली है। दोषी का नाम सुशील कुमार है, जिसकी उम्र 44 वर्ष बताई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशील ने एक लड़की से ट्रेन रेलवे स्टेशन पर और एक से लिफ्ट में छेड़छाड़ की। नेपाल के विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर से 10 किलोग्राम गोल्ड यानी सोना गायब होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब यह मामला संसद में उठा है। इस मुद्दे पर बहस के दौरान एक सांसद ने कहा, यह घटना शर्मनाक है, इससे देश की बदनामी हो रही है, इसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बाद यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अमेरिका और भारत के बीच दोस्ती दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और खास दोस्तियों में से एक है, ये अब और ज्यादा मजबूत हो गई है। रूस ने रविवार को उत्तर पश्चिमी सीरिया के विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों पर हवाई हमला किया। इसमें 2 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई। भारत ने माइनॉरिटीज के हालात पर फिक्र जताने वाले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को अपने ही देश के एक पूर्व रिलीजियस कमिश्नर ने नसीहत दी है। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने के पूर्व कमिश्नर जॉनी मून ने ओबामा को अपनी एनर्जी भारत की बुराई करने पर नहीं बल्कि उसकी तारीफ पर खर्च करने की सलाह दी। उन्हें याद रखना चाहिए कि अमेरिका में भी रिलीजियस फ्रीडम के हालात अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रविवार को 2 बसों की टक्कर हो गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 42 लोग घायल हो गए। बेंजीराबाद के डिप्टी आईजी मोहम्मद यूनिस ने बताया कि एक्सीडेंट मेहरान हाईवे पर हुआ, जहां पेशावर और कराची से आ रही 2 बसें आपस में टकरा गई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ लंदन से अपने मुल्क लौटकर न सिर्फ चुनाव लड़ सकेंगे बल्कि जीतने पर एक बार फिर प्रधानमंत्री बन सकेंगे। दरअसल पाकिस्तान की संसद ने लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन को रद्द कर दिया है और नए कानून के तहत किसी भी सांसद को 5 साल से ज्यादा के लिए अयोग्य करार नहीं दिया जा सकेगा। और बढ़ते आगे नजर डालेंगे स्पोर्ट्स सुपर 10 पर। जिम्बाब्वे ने रनों के लिहाज से अपने वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। विश्व कप क्वालिफायर्स 2023 के 17वें मैच में जिम्बाब्वे ने यूएसए को 304 रनों से हरा दिया। इससे पहले जिम्बाब्वे की सबसे बड़ी जीत केन्या के खिलाफ 202 रन से थी।
विश्व कप क्वालिफायर्स 2023 में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने कमाल ही कर दिया। जिम्बाब्वे ने यूएसए के खिलाफ मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 408 रन का पहाड़ जैसा स्कोर बना दिया। वनडे क्रिकेट में ये पहला मौका है जब जिम्बाब्वे की टीम ने 400 रनों का आंकड़ा पार किया है। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 400 से ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भारत और दक्षिण अफ्रीका के नाम है। दोनों ही टीमों ने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 6-6 बार 400 से ज्यादा रन बनाए हैं। वर्ल्ड कप 2023 के क्वालिफायर राउंड में लीग स्टेज को पार करते हुए 6 टीम्स ने सुपर सिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ग्रुप ए से जिम्बाब्वे, नीदरलैंड्स, वेस्ट इंडीज ने जगह बनाई है, तो ग्रुप बी से श्रीलंका, स्कॉटलैंड और ओमान ने सुपर सिक्स में एंट्री कर ली है। वर्ल्ड कप 2023 के क्वालिफायर में 4 टीमें नेपाल, यूएस, आयरलैंड और यूएई का सफर अब खत्म हो गया है, यानी इन टीमों का वर्ल्ड कप 2023 में खेलने का सपना टूट चुका है। दिग्गज भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी में शामिल हो गई हैं। इंग्लैंड के दो खिलाड़ी हीथर नाइट और पूर्व कप्तान ओमन मॉगन इस कमेटी में शामिल किए गए। दरअसल डब्ल्यूसीसी की मीटिंग लॉर्ड्स में एशेज टेस्ट मैच के पहले होगी। बीसीसीआई ने बल्लेबाज सरफराज खान को उनकी फिटनेस पर काम करने की सलाह दी। घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले सरफराज खान को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली है, जिसके बाद बीसीसीआई पर सवाल उठाए जा रहे थे। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का ब्रिटेन में काउंटी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन जारी। अर्शदीप ने नॉर्थहैम्प्टनशायर खिलाफ 2 विकेट लिए और वहीं सर्वे के पहले अपने पहले मैच में 4 विकेट लिए। कार्लोस अल्काराज ने क्वींस क्लब चैंपियनशिप के फाइनल में जीत दर्ज कर ग्रासकोर्ट पर अपना पहला एटीपी खिताब जीता है। जीत के साथ ही अल्काराज रैंकिंग में फिर से नंबर 1 पर हो गए। अल्काराज फाइनल में एलेक्स टी मिनार को 6-4, 6-4 से हराकर साल का अपना 5वां खिताब जीतने में सफल रहे। पेट्रा क्विटोवा ने बर्लिन ओपन में इसे जीत लिया और बर्लिन ओपन को जीतकर फाइनल में पेट्रा ने डेना वेकिच को 6-2, 7-6 से हराकर करियर का 31वां खिताब अपने नाम किया। पेट्रा क्विटोवा 2 बार विंबलडन खिताब भी जीत चुकी है। और आइए अब देखेंगे बॉलीवुड सुपर 10। फिल्म द केरला स्टोरी के धमाल के बाद मेकर्स अब बस्तर फिल्म के साथ अपना सेकेंड कोलेबोरेशन अनाउंस कर चुके हैं। फिल्म का पोस्टर जारी किया गया और इस अपकमिंग मूवी के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बताया गया, लेकिन ये मूवी आना तय है। इस मूवी को रियल इंसिडेंट पर बेस्ड बताया जा रहा है। फिल्म अगले साल 5 अप्रैल को रिलीज होगी। सत्य प्रेम की कथा कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है। इस बीच फिल्म के गाने रिलीज किए जा रहे हैं। अब कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की इस फिल्म का लेटेस्ट ट्रैक पसूरीनू गाना रिलीज किया गया है, जो साल 2022 में आए कोक स्टूडियो के सुपरहिट गाने पसूरी का रिक्रिएशन है। सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आम जनता ही नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री भी इस फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रही है। हाल ही में चिलकोर बालाजी मंदिर के मुख्य पुजारी ने आदि पुरुष की तारीफों के पुल बांधे थे, जबकि कुछ दिनों पहले उन्होंने ओम राउत को काफी खरी खोटी सुनाई थी। आदि पुरुष अपनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर चर्चा बटोर रही है। 10 दिनों में ही शो का कलेक्शन लुढ़क चुका है। इतने दिनों में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी उतार चढ़ाव देखा। पहले दिन 100 करोड़ से ऊपर पर खुलने वाली फिल्म को 10 दिनों में ही सिनेमाघरों से आउट होने का डर सता रहा है। हालांकि घरेलू बॉक्स ऑफिस पर आदि पुरुष 300 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है। बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर 38 साल के हो गए। बीती रात अर्जुन ने अपनी गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा और दोस्तों के साथ मिडनाइट बर्थडे सेलिब्रेट किया। बर्थडे पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया, जिसमें मलाइका को जमकर नाचते हुए देखा जा सकता है। ये वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है।
सुपरस्टार शाहरुख खान और कोरियोग्राफर डायरेक्टर फराह खान की दोस्ती इंडस्ट्री में सालों पुरानी है। रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान और फराह खान जल्द ही एक बार फिर एक साथ काम करने जा रहे हैं। हालांकि इस बार ऐसा लग रहा है कि शाहरुख खान और फराह एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पर काम करते हुए नजर आएंगे। और सुपर 10 में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 एनपीसीजी।